दोस्तों क्या आप भी अपने YouTube वीडियोस के लिए ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप वीडियो चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे 5 टिप्स के बारे में जिससे ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप को रीच आउट करते समय हम लोग की हेल्प हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूँ क्रिएटर वैली यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल की फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो आपको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों YouTube से पैसा तभी मिलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलता है। तो दूसरा तरीका है ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप। लेकिन ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप के लिए आपके चैनल्स पे व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए। आप लोग को ऐसा लगता होगा, यह सही भी है और गलत भी है। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी चाहिए, प्यासे कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे के पास नहीं आता है। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1, रीच आउट। दोस्तों सबसे पहले आपको ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप कंपनियों को रीच आउट करना है। रीच आउट करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके चैनल्स पे एवरेज व्यूज कितने आते हैं और आपके चैनल्स पे सब्सक्राइबर कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनियों को रीच आउट करना चाहिए और उनके पास ईमेल सेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों को रीच आउट करना शुरू कर दीजिए और आपके पास ना व्यूज है ना सब्सक्राइबर है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिस लेवल पे आपके यूट्यूब चैनल है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनियों को रीच आउट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, नीच एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। दोस्तों आपको अपने ही नीच की कंपनियों को रीच आउट करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चांस बने कि आपको अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिले। इसके लिए दोस्तों आपको अपने चैनल्स पे एक स्पेसिफिक नीच पर ही वीडियोस बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे आपके चैनल्स पे सब्सक्राइबर कम हो, आपके पास ज्यादा व्यूज ना आते हो, फिर भी ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको अच्छे खासे स्पॉन्सरशिप वीडियोस मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नेटवर्क। दोस्तों आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पोस्ट करना चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को ईमेल सेंड करिए और जो भी आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे उस पर कुछ अच्छे और रिलेवेंट हैशटैग का यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक अच्छी खासी रीच इंक्रीज हो सके। तो आपको इसे जरूर ध्यान में रखते हुए अपनी पोस्ट को शेयर करना चाहिए। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, ट्रस्ट मी मेरे इंस्टाग्राम पे एक ईमेल आया है कि मैं आपकी फोटोज इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरे पास फॉलोअर बेस बड़े हैं, इससे आपका फायदा यह होगा कि आपके भी फॉलोवर्स बढ़ेंगे। इनिशियल में मेरे पास ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है, तब इस टाइप के मैसेज आने शुरू हो गए। केवल मैंने फोकस किया है कंसिस्टेंसी और उसके साथ साथ हैशटैग का, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास इस टाइप के ईमेल आने लगे हैं। अगर आप भी ऐसे ही फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके पास भी ईमेल आएंगे। कुछ टाइम के बाद आपको स्पॉन्सर्ड ईमेल भी आने लगते हैं, और ये सब करने से आपका अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 4, स्पॉन्सर्ड मार्केटप्लेस। दोस्तों आपको स्पॉन्सर्ड मार्केटप्लेस को रीच आउट करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको कई ऐसे पेज मिल जाएंगे जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, राइट प्रोडक्ट शेयर करते हैं, और उन लोग को भी ज़रूरत होती है अपनी रीच बढ़ाने के लिए। तो आप उनसे बातचीत करके उनसे एक डील कर सकते हो और वहाँ से छोटा और मोटा रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू। आपको दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग में आपको छोटे ही अमाउंट से शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप तुरंत 10,000 या 20,000 से स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि इनिशियल से ही आपकी अगर 500,000 से शुरुआत हो तो डेफिनेटली आपको इनिशियल से ही स्पॉन्सरशिप मिलने शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन योर कंटेंट। दोस्तों आपको अपने कंटेंट पे वर्क करना चाहिए। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करो। आप अपने कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करो, आप अपने कंटेंट को कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करो, मोर वैल्यूएबल और मोर क्वालिटीदार कंटेंट लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो जिससे कि आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक फास्ट होती रहेगी। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा जिससे डेफिनेटली दोस्तों आपको स्पॉन्सर्स इनिशियल से ही मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपकी 1000 सब्सक्राइबर और नियर अबाउट 500-1000 व्यूज आने लगेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है दोस्तों कि स्पेसिफिक नीश पे ही वीडियोस बनाओ ताकि जो आपकी ऑडियंस हो केवल उसी से रिलेटेड हो, और जो आप कंपनी को पिच कर रहे हो वो भी उसी नीश की कंपनी हो। ऐसा नहीं कि आप ब्यूटी से रिलेटेड आपका चैनल है और आप टेक कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो ये नहीं होने वाला। आप ब्यूटी के ही कंपनी को ही टारगेट करो। आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो या आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अब स्माइल।